और यही चीज़ सेम है, लेकिन टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो प्लस माइनस माइनस तो हुआ, लेकिन टेम्परेचर हाई है तो नेगेटिव वाला हाई हो गया, तो इतना हाई हो जाएगा इसको डोमिनेट कर जाएगा, तो माइनस और ये वैल्यू छोटा होगा, ये आपका जो डेल्टा एच वैल्यू है ये इतना होगा और ये वाला नेगेटिव में इतना हो जाएगा और पॉजिटिव में इतना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमेशा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बोलो जी कोई दिक्कत? ठीक है, अगला बताओ, अगला आप बताओ, रुचि बताओ, आप बताओ। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और टेम्परेचर लो है, तो फिर क्या होगा? देख लो पहले, पहले देख लो, आप इमेजिन करो पहले, यू हैव टू इमेजिन कि दोनों नेगेटिव हैं और टेम्परेचर आपका लो है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव आएगा। एक बताओ, पॉजिटिव होगा, लास्ट पॉजिटिव होगा ना, देखते हैं। देखो ये नेगेटिव, ये इसको नेगेटिव रख दिया, ठीक है, इसको भी नेगेटिव रख दिया यहाँ पे, डेल्टा इसको नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पहले से नेगेटिव है लेकिन टेम्परेचर क्या है, लो है, तो माइनस माइनस तो प्लस तो हो गया, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे लो है, मतलब ये आपका लो है तो प्लस हो गया, लेकिन टेम्परेचर लो है और यहाँ पे माइनस है और माइनस वाला बड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है भाई, ये जो भी रहा होगा लेकिन ये तो छोटा हो गया ना, तो उससे तो छोटा हो गया, तो नेगेटिव वाला डोमिनेट कर गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे डोमिनेट कर गया, ये वाला भारी है तो नेगेटिव आएगा ओवरऑल, और इसका देखो जस्ट अपोजिट है, टेम्परेचर भारी हो गया मतलब पॉजिटिव वाला यहाँ पे अगली कंडीशन में बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव वाला भारी हो गया उससे। ठीक है, पक्का पॉजिटिव, तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस और आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। चलो लिख लो इसको, इट इज अ, हाँ एनर्जी में लिखो आप, अरे पहले सेकेंड लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ लिखो, द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, चेंज ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अरे आप थोड़ा ढंग से बैठ जाओ, बहुत आराम चाहिए आपको। ठीक है लिख लो, उसके बाद ये कॉपी कर लो। एस पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, नहीं नहीं पहले पहले क्यों, इट इज यूज टू कन्वर्ट इट इन, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज यूज टू कन्वर्ट इंटू यूजफुल वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाँ आप ऐसे ही कॉपी कर लो। बताया था या फिर मैंने कहीं देखा या पढ़ा ही होगा कि क्या बेहोश होने के बाद जो एनर्जी काम आती है वो भी गिब्स की एनर्जी होती है, बेहोश होने के बाद, हाँ जो हमें जिंदा रखती है, मतलब ऐसा भी अच्छा पता नहीं, इसका आइडिया तो नहीं है मेरे पास, खैर देखना पड़ेगा। हाँ बायो वाले बता सकते हैं, बताएंगे नहीं बायो में भी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसे, होती है बायो में भी, जैसे तुम्हारे जो मसल्स में रिएक्शन होता है ना, तुम्हारे मसल्स में वो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, वो तुम्हारे मसल के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन होती है। ठीक है,
योगेश को रब कर दूं? तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कब से? हाँ जी आज ही बिल्कुल। और क्या बचाइए इसमें? इसके बाद सर, इसके बाद पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, अच्छा लिख लो पहले। हाँ ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का, और वो है आपका रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जैसे STP कंडीशन होती है ना, स्टैंडर्ड 180 ATM और टेम्परेचर 273 केल्विन, ऐसे ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। उस कंडीशन पे जो डेल्टा जी होगा ना, उसको बोलेंगे डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनका एक रिलेशन होता है, वो आप देख लो पहले। इसका रिलेशन क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग KC, ठीक है, लॉग KC। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकाला है आपने, इसका मतलब जो आपका रिएक्शन है वो आपका इक्विलिब्रियम में है, मतलब आपका डबल डायरेक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है यहाँ पे, ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? अभी पढ़ाया यार, जीरो होता है, देखो जीरो होता है ना। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो। तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करो क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा नेगेटिव, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव ऑफ -2.303 RT लॉग KC, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसके लिए। वेयर डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आएगा, ठीक है। TT इज द टेम्परेचर, R इज द गैस कॉन्स्टेंट, R इज द गैस कॉन्स्टेंट, और ये चार वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन, R का वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर कैल्विन, लीटर ATM में लिखा है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर कैल्विन लिखा है ये, ठीक है। चलो इतना हो गया, चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, लिख लो इसको एज इट इज़।